जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 5 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने 5 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 5 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी बात करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई मित्र बचे हुए समय में साइंस को कंप्लीट रिवाइज करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस अर्जुना बायो बैच और लक्ष्य फिजिक्स केमिस्ट्री बैच में। दोस्तों ये बैच आपको कहाँ पे मिलेगा, ये हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। साथ ही अगर आप में से कोई मित्र बचे हुए समय में साइंस न्यूमेरिकल का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे साइंस न्यूमेरिकल रिवीजन बैच में। ध्यान में रखेंगे कि इस दोनों ही कोर्स से संबंधित किसी भी तरह के जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि 20 केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ऑप्शन दिया हुआ है 2000 पास्कल, दूसरा ऑप्शन है 2000 जूल, तीसरा ऑप्शन है 2000 वाट, चौथा ऑप्शन है 2000 न्यूटन। बताइए ना सॉल्व होगा, आप कहेंगे गुरुजी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन में विभव ऊर्जा की बात की जा रही है, एक्चुअली में ये विभव ऊर्जा क्या होता है तो आप सभी ध्यान में रखना कि ये स्थितिज ऊर्जा है। क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। और आपको यहाँ पे क्या निकालना है तो आप कहेंगे गुरुजी स्थितिज ऊर्जा निकालना है। और इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों को स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला ना मालूम हो, आप क्या कहेंगे गुरुजी MgH होता है। तो क्वेश्चन में हथौड़े का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे गुरुजी 20 केजी दिया हुआ है और साथ ही साथ जी का वैल्यू कितना लेना है, 10 लेना है, ऊंचाई कितना है तो गुरुजी 10 मीटर है, तीनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2000 जूल। और आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल और रिपीटेड भी है, आपसे पूछा जा रहा है कि अंडा देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है एक को सीखिए, दूसरा ऑप्शन है जरायुज, तीसरा ऑप्शन है समसूत्री, चौथा ऑप्शन है अंडज। क्या होगा इसका आंसर, आप कहेंगे गुरुजी पीछे के सेशन में आपने बताया है कि जो अंडा देने वाले प्राणी होते हैं उसको अंडज बोला जाता है और इंग्लिश में इसी को ओविपेरस बोला जाता है, तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाए। आप में से बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी पहले ऑप्शन में एक को सीखे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसे जंतु या प्राणी जिसके शरीर में सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका हो क्या कहलाएगा, एक कोशिकीय कहलाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो जरायुज भी दिया हुआ है, मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जरायुज की जब हम लोग बात करते हैं तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में विविपेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? विविपेरस कहते हैं। और क्या कहते हैं कि बच्चा पैदा करने वाला जंतु क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे जरायुज कहलाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में समसूत्री भी दिया हुआ है, ये समसूत्री क्या है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि समसूत्री जो है वो कोशिका विभाजन का एक प्रकार है। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये कोशिका विभाजन क्या होता है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोशिका विभाजन को ही हम लोग इंग्लिश में सेल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखिएगा कि सेल डिवीजन क्या है, तो आप कहेंगे कि नई कोशिकाओं को जन्म देने की एक प्रक्रिया है। सेल डिवीजन क्या है, तो आप कहेंगे नई कोशिकाओं को जन्म देने की एक प्रक्रिया है। और ध्यान में रखिएगा कि जो कोशिका विभाजन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं सामान्यतः 3 प्रकार के, लेकिन हम लोग 2 ही प्रकार मुख्य रूप से पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग तीनों प्रकार को डिस्कस करेंगे। पहला होता है आपका समसूत्री कोशिका विभाजन। पहला कौन सा होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन, जिसकी चर्चा आपके ऑप्शन में की जा रही है। और ध्यान में रखेंगे कि समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है कि इसमें जो मदर सेल होते हैं उससे 2 नया संतति कोशिका मिलता है, यानी कि 2 न्यू डॉटर सेल मिलता है। और ये दोनों ही न्यू डॉटर सेल जो होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, समान होती है। तो
हम सभी क्या कहते हैं कि समसूत्री कोशिका विभाजन वैश्विक कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है जिसमें मदर सेल से दो समान नई संतति कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि दूसरा कोशिका विभाजन आपका कौन सा है, तो दूसरा है आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। दूसरा कौन सा होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। और ध्यान में रखिएगा कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है, तो जनन कोशिकाओं में होता है। कहाँ पे होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है इसी प्रक्रिया के उपरांत क्या बनता है, तो आप कहेंगे स्पर्म एवं ओवम का निर्माण होता है। कोई भी आपसे ये पूछ दे कि ये बताओ कि स्पर्म और ओवम के निर्माण में कौन सी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, आप कहेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ पे होती है, आप कहेंगे जनन कोशिकाओं। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि आपका तीसरा कोशिका विभाजन कौन सा होता है, तो तीसरा होता है असूत्री कोशिका विभाजन, जो समानतः किस में होते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि शैवाल में होता है। और साथ ही कहाँ पे होता है, तो आप याद रखिएगा प्रोटोजोआ में होता है और साथ ही जीवाणु वगैरह में होता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि असूत्री कोशिका विभाजन किस प्रकार के जीवों में होती है, आप कहेंगे शैवाल, प्रोटोजोआ, जीवाणु एटसेट्रा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 20 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है, वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है, बताइए ना सॉल्व होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फार्मूला होता है ½mv2। और हमारे क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी दिया हुआ है और वेग 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाफ तो सेम रहेगा, मास के जगह क्या आ जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी 20 आ जाएगा, वेग के जगह तो v2 है, यहाँ पे हम लोग 2 × 10 को गुना कर देते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 2 × 20 होता है, 3 × 10 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 जूल। तो भाई मेरे, आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है मांसपेशी, दूसरा ऑप्शन है वाहिका, तीसरा ऑप्शन है संयोजी, चौथा ऑप्शन है तंत्रिका, क्या होगा इसका आंसर। आप कहेंगे कि गुरुजी हम लोगों ने तो पढ़ा है कि उपकला उत्तक जो है वो ग्रंथि का निर्माण करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में उपकला उत्तक की चर्चा ही नहीं की गई है, तो सही आंसर क्या होगा। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके ऑप्शन में जो वाहिका की चर्चा की गई है, एक्चुअली ये क्या होता है, वाहिका उत्तक होता है। और ध्यान में रखिएगा, कोई आपसे ये पूछ दे कि ये बताओ वाहिका उत्तक क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि वाहिका उत्तक जो है ये ग्रंथि कोशिकाओं का समूह होता है। वाहिका उत्तक क्या होता है, तो आप कहेंगे ग्रंथि कोशिकाओं का समूह होता है। मेरे मित्र, जब आप ये कह रहे हो कि वाहिका उत्तक जो है वो ग्रंथि कोशिकाओं का समूह होता है, तो जाहिर सी बात है ये जो आपका वाहिका उत्तक है ये क्या करता होगा, तो आप कहेंगे ग्रंथि का निर्माण करता होगा। भाई मेरे, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो आपका ऑप्शन दिया गया है उस हिसाब से आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, कहीं पे भी आपसे ये क्वेश्चन करा जाए कि निम्न में से कौन सा उत्तक ग्रंथि का निर्माण करता है, तो आप सभी क्या कहेंगे, उपकला उत्तक ग्रंथि का निर्माण करता है। लेकिन आपके ऑप्शन में उपकला उत्तक ना दिया हुआ रहे, वाहिका लिखा हुआ रहे, तो आप क्या कहेंगे कि चूंकि वाहिका उत्तक जो है ये ग्रंथि कोशिकाओं का समूह होता है, इसलिए ये क्या करता है, ग्रंथि का भी निर्माण करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उपकला उत्तक के अलावे जो वाहिका उत्तक होती है वो भी क्या करती है, ग्रंथि का निर्माण करती है। आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि जंतुओं में उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। मेरे मित्र, मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया था, और ऐसे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग एनिमल टिश्यू की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर, एनिमल टिश्यू की, जंतु उत्तक की, ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन सा, तो ध्यान में रखिएगा उपसंयोजी पेशी तंत्र, क्या ध्यान में रखेंगे, उपसंयोजी पेशी तंत्र। और आप कहेंगे कि गुरुजी उप से हम उपकला उत्तक याद रख लेंगे, संयोजी से संयोजी उत्तक, और पेशी से पेशी उत्तक, और तंत्र से हम लोग तंत्रिका उत्तक याद रख लेंगे। ध्यान में रखेंगे कि आपके पहले ऑप्शन में जो मांसपेशी दिया हुआ है, तो मांसपेशी आपका किस प्रकार के उत्तक से बनेगा, आप कहेंगे पेशी उत्तक से बनेगा।
आपके जो अगले ऑप्शन में संयोजी दिया हुआ है, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये भी एक प्रकार का जंतु ऊतक ही है। और साथ ही साथ जो चौथे ऑप्शन में तंत्रिका दिया हुआ है, आप कहेंगे कि गुरुजी तंत्रिका जो है वो भी एक प्रकार का ऊतक है, और ये कहाँ मिलेगा? तो हमारे तंत्रिका तंत्र में मिलेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन है फुलेरिन, तीसरा ऑप्शन है डायमंड, चौथा ऑप्शन है कोयला। क्या होगा इसका आंसर? आप क्या कहेंगे कि गुरु जी अगर बात की जाए डायमंड की, किसकी बात की जाए? डायमंड की। साथ ही साथ किसकी बात की जाए? ग्रेफाइट की। और साथ ही साथ किसकी बात की जाए? तो आप कहेंगे बकमिस्टर फुलेरिन की। किसकी बात की जाए? बकमिस्टर फुलेरिन की। ये तीनों ही क्या है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये तीनों ही कार्बन के अपरूप हैं। क्या हैं? कार्बन के अपरूप हैं। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं कोयला की, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी कोयला में कार्बन मौजूद होता है, लेकिन वो कार्बन का अपरूप नहीं होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कार्बन के तीन अपरूप हैं, कौन कौन सा? तो पहला है आपका डायमंड, जो कि क्या है? तो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। और साथ ही साथ दूसरा आपका कौन सा है? तो दूसरा है ग्रेफाइट, और ये क्या है? तो आप कहेंगे अपवाद है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो कार्बन है ये क्या होते हैं? अधातु होते हैं, यानी कि नॉन मेटल होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं वे क्या कहलाते हैं? आप कहते हैं कि गुरुजी विद्युत का कुचालक कहलाते हैं। लेकिन ग्रेफाइट क्या करता है? आप कहते हैं कि गुरुजी इससे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, यानी कि ग्रेफाइट जो है वो अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करती है, और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ग्रेफाइट जो है वो अपवाद है। और साथ ही ये क्या है? तो आप कहेंगे कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, यानी कि अपरूप हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि आपका तीसरा होता है बकमिस्टर फुलेरिन, और ये भी क्या है? कार्बन के अपरूप हैं। और आप सबों को ध्यान में रखना है कि कार्बन के इस अपरूप में कार्बन की परमाणु सबसे ज़्यादा होती है, कार्बन की परमाणु सबसे ज़्यादा होती है। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि कितना होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसमें लगभग जो है वो कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कार्बन के ऐसे कौन से अपरूप हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। आप कहेंगे बकमिस्टर फुलेरिन। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि ये जो कार्बन का तीसरा अपरूप है जिसको आप बकमिस्टर फुलेरिन कह रहे हो, इसका शेप जो है, यानी कि जो संरचना होती है, इसका जो संरचना होती है वो कैसा होता है? तो ध्यान में रखेंगे कि ग्लोब जैसा भी आप कह सकते हैं, या फिर फुटबॉल जैसा भी आप कह सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ग्लोब और फुटबॉल दोनों करके पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बकमिस्टर फुलेरिन की संरचना होती है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हमारे ऑप्शन में ग्लोब लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग ग्लोब को टिक कर देंगे, और अगर हमारे ऑप्शन में फुटबॉल लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग फुटबॉल को टिक कर देंगे। तो देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में ग्लोब करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर फुटबॉल करके पूछा जा रहा है। लेकिन आप सबों को क्या ध्यान में रखना है कि बकमिस्टर फ्लोरिन जो कार्बन का तीसरा अपरूप है, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, संरचना इसका जियोडेसिक ग्लोब या फिर फुटबॉल की तरह होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि धातुएं विद्युत का अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित डैश होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, चौथा ऑप्शन है न्यूट्रॉन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? भाई मेरे, आप सभी जो ये कहते हो कि गुरुजी जो कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि जो सुचालक होते हैं, उससे होकर के क्या होता है? तो गुरुजी विद्युत आसानी से पास हो जाता है। और जब आप बात करते हैं किसकी, धातु की बात करते हैं, मेटल की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ऑल द मेटल्स आर बिलोंग्स टू द कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। जितने भी धातु होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं? विद्युत का सुचालक होता है। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर कोई भी पदार्थ विद्युत का चालन कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होगा? मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर किसी भी पदार्थ में मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो विद्युत का चालन नहीं करेगा, या विद्युत अपने में से होकर के जाने नहीं देगा, और वही क्या कहलाएगा? कुचालक कहलाएगा। और जो कंडक्टर और इंसुलेटर, यानी कि सुचालक और कुचालक में मेन डिफरेंसेस है वो क्या है?
तो आप कहते हैं कि गुरुजी जिस पदार्थ में मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है वो तो इलेक्ट्रिसिटी का चालन करता है, और जिसमें मौजूद नहीं होता वो चालन नहीं करता है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रिसिटी का चालन करेगा तो उसमें मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होगा, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो आप कहेंगे गुरुजी ढीला आबंधित होगा, यानी कि कमजोर बल के साथ बंधा होगा। वो उसके सरफेस में क्या कर रहा होगा? तो गुरुजी घूम रहा होगा, स्वतंत्र होगा। भाई मेरे, जब आप ये कह रहे हो कि गुरुजी धातु में विद्युत का सुचालक होती है, तो जाहिर सी बात है कि धातु में क्या होंगे? मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो सर ये ढीले आबंधित होंगे। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सुचालक और कुचालक दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, जिस वजह से वे क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह अपने में से होकर के होने देते हैं। जबकि कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिस वजह से वे अपने में से इलेक्ट्रिसिटी का चालन नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान क्या है, जबकि जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। बताइए ना सॉल्व होगा? आप कहेंगे गुरुजी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम सबों को मालूम है कि वेट इक्वल टू फार्मूला होता है mg, यानी कि भार इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। आपके क्वेश्चन में भार कितना दिया हुआ है ध्यान में रखिएगा, वजन हो या फिर भार हो, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। तो क्वेश्चन वजन करके पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे? भार। और ऐसे आप सबों को ध्यान में रखना है कि जहाँ पे भी वजन या भार की बात की जाएगी तो यूनिट क्या होगा? न्यूटन में होगा। और आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, तो जाहिर सी बात है कि भार कितना है? आप कहेंगे 200 न्यूटन। प्रिय मित्र, आपसे मास पूछा जा रहा है जबकि जी का वैल्यू कितना है? तो गुरु जी 10 लेना है, 20 दहाई कितना होता है? 200। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? आप कहेंगे 20 kg। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डैश एक सतही परिघटना है। ऑप्शन दिया हुआ है उबलना, दूसरा ऑप्शन है गलन, तीसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण, चौथा ऑप्शन है हिमीकरण। बताइए, अगर आप हमारा पीछे वाला सेशन देखे हैं तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ सोचना पड़ेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। मैंने पीछे के सेशन में आपको बताया है कि जो वाष्पीकरण की घटना होती है वो क्या होती है। आप कहते हैं ये एक सरफेस फिनोमिना होती है, यानी कि सतही घटना होती है। और क्वेश्चन भी आपसे वही पूछा जा रहा है कि डैश एक सतही परिघटना है, यानी कि सतही घटना है। आप क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी में है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, वाष्पीकरण किसको बोलते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में इवोपरेशन कहते हैं। और क्या कहते हैं कि जल जब किसी भी तापमान पर धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है तो ये घटना क्या कहलाती है? वाष्पीकरण या फिर इवोपरेशन कहलाती है। और ये किसका कारण बनती है? तो गुरु जी ठंडक का कारण बनती है। आप कहेंगे कि गुरु जी ऑप्शन में उबलना भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र इसी को हम लोग क्वथन कहते हैं। और कोई भी द्रव जब आपका उबलना शुरू कर देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि जिस पॉइंट पर, यानी कि जिस तापमान पर वो उबलना शुरू कर देता है उसी को उसका क्या बोला जाता है? तो क्वथनांक बिंदु बोला जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में गलन भी दिया हुआ है, इसी को इंग्लिश में मेल्टिंग कहते हैं। जब कोई भी पदार्थ अपने सॉलिड अवस्था से किस में बदल जाता है? लिक्विड अवस्था में बदल जाता है, तरल अवस्था में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग गलन कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पर वो सॉलिड से लिक्विड में बदलता है उसको हम लोग गलन बिंदु या फिर मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में तो हिमीकरण भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र इसी को हम लोग इंग्लिश में फ्रीजिंग कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फ्रीजिंग वैसी प्रक्रिया है, हिमीकरण वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई तरल, कोई द्रव किस में बदल जाता है? ठोस रूप में बदल जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव ठोस में बदल जाता है उसी टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक बिंदु बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है गलनांक, दूसरा ऑप्शन है गुप्त ऊष्मा, तीसरा ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट, चौथा ऑप्शन है संलयन की अव्यक्त उष्णता। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे गुरुजी अभी जस्ट आपने पीछे के क्वेश्चन में डील करा है, आपने अभी जस्ट क्या बताया है कि जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड
लिक्विड में बदल जाता है उसी को क्या बोला जाता है, गलनांक बिंदु बोला जाता है या फिर मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु यानी कि सॉलिड वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाती है। आप कहेंगे गलनांक बिंदु कहलाता है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में तो गुप्त ऊष्मा भी दिया हुआ है, ये गुप्त ऊष्मा क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गुप्त ऊष्मा को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे ये क्या होता है, हिडन हीट होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो मेरे मित्र आप सभी जो ये कहते हैं कि गुरुजी पदार्थ जो है वो अपने अवस्था में परिवर्तन करता है, जैसे कि आपके इस क्वेश्चन के अनुसार कोई सॉलिड सब्सटेंसेस किस में बदल जा रहा है, तो गुरुजी लिक्विड में बदल जा रहा है। तो किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में, किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, कौन सी ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं गुरुजी, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। या आप सभी ये भी कह सकते हैं और सरल शब्दों में समझने के लिए कि किसी एक केजी पदार्थ को उसके अवस्था में परिवर्तन हेतु, किसी एक केजी पदार्थ को उसके अवस्था में परिवर्तन हेतु जितना हिडन हीट की ज़रूरत होती है उसे ही क्या बोला जाता है, आप कहेंगे गुप्त ऊष्मा बोला जाता है, लेटेंट हीट बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं इसके लिए फार्मूला क्या लिखते हैं, इसके लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं एल इक्वल टू क्यू बटा एम। क्या लिखते हैं फार्मूला, एल इक्वल टू क्यू बटा एम। ध्यान में रखेंगे ये जो आपका क्यू है ये क्या है, ऊष्मा ऊर्जा है। और ये कौन सी ऊष्मा ऊर्जा है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गुरुजी अवस्था परिवर्तन होगा या तो उष्मा अवशोषित होगी या फिर उष्मा क्या होगी, तो आप कहेंगे उत्सर्जित होगी। ये जो आपका Q है ये क्या है, तो आप कहेंगे अवशोषित, अवशोषित या फिर उत्सर्जित उष्मा है। क्या है, अवशोषित या उत्सर्जित उष्मा है। और साथ ही साथ ये मास क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखना द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान है। मेरे मित्र यहाँ पे आप दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि गलन की गुप्त ऊष्मा को ही हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, या फिर और स्टैंडर्ड भाषा में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कहते हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, तो आप सभी कहेंगे 80 कैलोरी पर ग्राम। क्या कहेंगे, 80 कैलोरी पर ग्राम। और ध्यान में रखेंगे कि दूसरा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। ध्यान में रखेंगे इसी को हम लोग इंग्लिश में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है, आप कहेंगे 540 कैलोरी पर ग्राम। क्या कहेंगे, 540 कैलोरी पर ग्राम। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में बॉइलिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, मेरे मित्र अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस करा है, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन दिया हुआ है अनोक्सीय शोषण, दूसरा ऑप्शन है हृदय, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीशोषण और चौथा ऑप्शन है फेफड़े। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन के मदद से होता है, जिसमें ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण विघटन जो है वो CO2 और H2O में किया जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग श्वसन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर में जो पचे हुए भोज्य पदार्थ ग्लूकोज के रूप में होते हैं उसका क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है, और जिससे हम लोग को क्या मिलता है, तो आप कहते हैं ऊर्जा मिलता है। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ये होती है दो प्रकार की, एक ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है और एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो आप सभी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जो आपका ग्लूकोज आपके शरीर में पचा हुआ भोज्य पदार्थ है, जो आपके शरीर में ग्लूकोज है जो कि पचा हुआ भोज्य पदार्थ है, ये कोशिका द्रव में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, कोशिका द्रव में ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ऑक्सीजन के अब्सेंस में किसमें बदल जाता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पाइरूवेट में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, पाइरूवेट को हम लोग पाइरूविक एसिड भी कहते हैं।
तो ये पाइरूवेट प्लस एटीपी ऊर्जा में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जो आपके शरीर में पचा हुआ ग्लूकोज है, बचा हुआ ग्लूकोज है वो कोशिका द्रव में यानी कि साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में किस में बदल जाता है, पाइरूवेट प्लस एटीपी में बदल जाता है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया जो है आपका वो अनॉक्सी श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है, अनॉक्सी श्वसन कहलाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरु जी इसी को हम लोग हिंदी में अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन नहीं होता। अवायवीय श्वसन क्या होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में होता है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो पाइरूविक एसिड या फिर पाइरूवेट और एटीपी में बदल जाता है। यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण विघटन नहीं होता है, जबकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्लूकोज के अणु का पूर्ण विघटन CO2 और H2O में हो जाता है। आप कहेंगे कि गुरु जी अब क्या होगा, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो पाइरूवेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन हो जाता है। यानी कि ये जो आपका ग्लूकोज अवायवीय प्रक्रिया में पाइरूवेट में बदल गया, इसका पूर्ण विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। किसमें हो जाता है, तो CO2 प्लस H2O प्लस ATP ऊर्जा में हो जाता है। किसमें हो जाता है, CO2 प्लस H2O प्लस ATP ऊर्जा में हो जाता है। और मेरे मित्र यहाँ पे जो आपका ग्लूकोज का पूर्ण विघटन हो जाता है वो किसके उपस्थिति में, आप कहेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको क्या बोलेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग ऑक्सीशोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीशोषण का है, तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो रहा है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग वायवीय श्वसन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वायवीय श्वसन भी बोल सकते हैं। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा अनॉक्सी श्वसन या फिर अवायवीय श्वसन होता है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विघटन नहीं होता है। ग्लूकोज का पूर्ण विघटन CO2, H2O और ATP में कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कौन से श्वसन की प्रक्रिया के दौरान, तो ऑक्सी श्वसन या फिर हम इसी को वायवीय श्वसन कह सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विघटन हो जाता है। आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार होता है, आप कहेंगे ऑक्सीशोषण। तो सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अनऑक्सीशोषण या फिर अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन नहीं होता, ग्लूकोज पाइरूवेट और ATP ऊर्जा में बदल जाता है, जबकि ऑक्सीशोषण या फिर वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है, जो कि किसके उपस्थिति में होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि ऑक्सीजन के मदद से होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन दिया हुआ है पत्ते में पानी, दूसरा ऑप्शन है मानव शरीर में भोजन, तीसरा ऑप्शन है पौधे में भोजन और चौथा ऑप्शन है पौधे में सूरज के प्रकाश। क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन करा जा रहा है कि सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप कहेंगे गुरु जी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, भाई मेरे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जरा सा आप हमको ये बताओ कि जब आपसे क्वेश्चन ये करा जाता है कि प्लांट में यानी कि पौधे में जल संवहन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्लांट में जल संवहन के लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आप कहते हैं जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब आपसे क्वेश्चन ये करा जाता है कि प्लांट में भोजन एवं हार्मोन के संवहन के लिए, प्लांट में भोजन एवं हार्मोन के संवहन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है। मेरे मित्र यहाँ पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो फ्लोएम है इसके चार मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला होता है आपका सीव ट्यूब, ध्यान में रखिएगा इसी को शुद्ध हिंदी में चालनी नलिकाएं बोला जाता है, और साथ ही दूसरा होता है आपका सह कोशिकाएं जिसको इंग्लिश में कंपेनियन सेल बोला जाता है, और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि नेक्स्ट होता है आपका फ्लोएम तंतु जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो गुरुजी इसी को इंग्लिश में फ्लोएम फाइबर बोला जाता है या फिर बास्ट भी बोला जाता है, और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि नेक्स्ट होता है फ्लोएम मृदु तक जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फ्लोएम पेरेनकाइमा बोला जाता है।
ये चारों ही क्या हैं, ये चारों ही फ्लोएम के पार्ट हैं। और क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि सिव ट्यूब और स्वा कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। आप कहेंगे गुरुजी पौधे में भोजन और हार्मोन के संवहन के लिए फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है और ये जो सिव ट्यूब और स्वा कोशिकाएं हैं ये दोनों ही फ्लोएम का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है कि सिव ट्यूब और साथ ही साथ स्वा कोशिकाएं पौधे में जो है वो भोजन के संचरण के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है। आप क्या कहेंगे कि गुरु जी जब लिटमस विलयन ना एसिडिक और ना बेसिक होता है तब इसका कलर बैंगनी होता है। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी लिटमस जो है ये लाइकेन नामक प्लांट से निकाला जाता है और लाइकेन नामक प्लांट जो है वो थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है। आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो आपका ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, ब्लू लिटमस क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कोई एसिडिक सबटांस होगा तब जो है ब्लू लिटमस नीला लिटमस जो है वो किस में बदल जाएगा, तो लाल लिटमस में बदल जाएगा। और ध्यान में रखेंगे कि जो रेड लिटमस है ये ब्लू में बदल जाता है किसके उपस्थिति में, तो आप ध्यान में रखेंगे बेसिक सबटांसेस की उपस्थिति में, यानी कि कोई बेस पदार्थ के उपस्थिति में। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल ये भी सर आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु 4 सेकंड में 20 मीटर, अगले 2 सेकंड में 10 मीटर और फिर 4 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या है। बताइए ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना होगा। आप कहेंगे गुरुजी आसानी से सॉल्व हो जाएगा और आपने कई बार पीछे के सेशन में बताया है। तो मेरे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से उम्मीद करूंगा सही आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डैश धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है जिंक, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा धातु जो है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। आप क्या कहेंगे कि गुरु जी ये बताओ कि जब धातु ठंडे जल के साथ या जल के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या बनाता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और साथ ही क्या बनाता है, तो धातु ऑक्साइड बनाता है, यानी कि मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग धातु की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कॉर्नर पे धातु लिख दिया है। पहला पॉइंट है कि धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा, कौन कौन सा करेगा सर, तो ध्यान में रखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम ये क्या करेगा, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा। और दूसरा पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि केवल भाप के साथ अभिक्रिया करेगा। ऐसा कौन कौन सा धातु है आप सभी ध्यान में रखिएगा कि केवल भाप के साथ अभिक्रिया करेगा, वो धातु है आपका एल्यूमिनियम, फिर है जिंक और फिर है आपका फेरस यानी कि लोहा। और साथ ही ध्यान में रखेंगे तीसरा कि धातु जो किसी भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, के साथ अभिक्रिया नहीं करता है कौन सा है सर, तो पहला है आपका पीबी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेड यानी कि सीसा, और साथ ही दूसरा आपका कौन सा है, एजी, फिर क्या है, एजी बोले तो सिल्वर, और फिर क्या आपका एयू, और साथ ही कॉपर। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा और धातु के ऑक्साइड बनाएगा। ठंडे जल के साथ कौन से धातु अभिक्रिया करेंगे, सोडियम और पोटेशियम बहुत तेजी के साथ अभिक्रिया करेगा। केवल भाप के साथ एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस अभिक्रिया करेगा। और किसी भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, क्या होगा, सीसा, चांदी, सोना और कॉपर।
आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, आप कहेंगे सोडियम, और इसीलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है अवतल, दूसरा ऑप्शन है बेलनाकार, तीसरा ऑप्शन है उत्तल, और चौथा ऑप्शन है समतलावतल। क्या कहेंगे कि गुरुजी, बात की जा रही है हाइपरमेट्रोपिया की, बात किसकी की जा रही है, हाइपरमेट्रोपिया की, और इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आप कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग हिंदी में दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अच्छा, जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि गुरुजी जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित होता है वो दूर की वस्तु को तो साफ साफ देख पाता है लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए क्या लगाया जाता है, तो आप कहते हैं उत्तल लेंस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का उपयोग किया जाता है, आप कहेंगे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो सही आंसर आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे मित्रों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होते रहता है, तो आप सबों को यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि अगर बात की जाएगी निकट दृष्टि दोष की, किसकी बात की जाएगी, निकट दृष्टि दोष की, और साथ ही अगर बात की जाएगी दूरदृष्टि दोष की कि इसमें कौन से लेंस को लगाया जाता है ठीक करने के लिए, तो आप सभी यहाँ पे क्या ध्यान में रखेंगे कि निकट में कितना लेटर है, आप कहेंगे 1, 2, 3, तो सर 1, 2, 3 के बाद क्या आएगा, आप कहेंगे गुरुजी 4 आएगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो ध्यान देंगे कि जो आपका अवतल है, जो आपका अवतल लेंस है इसमें कितने लेटर होते हैं, तो गुरुजी 4, 1, 2, 3, 4। तो आप सभी क्या कहेंगे कि जहाँ पे भी निकट दृष्टि दोष आएगा, जहाँ पे भी निकट दृष्टि दोष आएगा तो इसमें 3 लेटर होते हैं और 3 के बाद 4 आता है, जबकि अवतल लेंस में क्या होता है, तो गुरुजी 4 लेटर होता है। तो हम कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगाया जाता है, और जब दूर दृष्टि दोष की बात की जाएगी इसमें क्या होते हैं, 2 लेटर, 1 और 2, 1, 2 के बाद क्या आएगा, 3, और जब बात करते हैं उत्तल लेंस की तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी इसमें 3 लेटर होता है। हम ये कह सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगाया जाता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष को हम लोग इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, और साथ ही दूर दृष्टि दोष को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि 3 तत्वों एक्स, वाई और जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम से 287, 282 और 288 है, तो तत्व जेड एक डैश है। ऑप्शन दिया हुआ है अधातु, दूसरा ऑप्शन है उपधातु, तीसरा ऑप्शन है निष्क्रिय गैस, चौथा ऑप्शन है धातु। क्या होगा इसका आंसर, आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, किस बेस पे, तो कक्षा के बेस पे। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका एक्स है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, और साथ ही जो आपका वाई है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 282, और जो आपका जेड है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 288। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्चुअली ये क्या बता रहा है, तो सर ये बता रहा है कि अलग अलग कक्षाओं में इन तीनों ही तत्व का जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है वो कुछ इस प्रकार से है। और हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अगर टोटल इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाए तो 8, 2, 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी एक्स में जो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 17 होगी, और हम सबों को मालूम है कि अगर इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 प्रोटॉन भी होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका एक्स है उसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 17, और ये 17 परमाणु संख्या किसका होता है, क्लोरीन का। क्लोरीन क्या है, आप कहेंगे गुरुजी अधातु है। क्या है, अधातु है, तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, अधातु के कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन ये तो क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जा रहा है, पूछा जा रहा है जेड के बारे में कि जेड क्या है। ध्यान देंगे कि वाई की जब हम लोग बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, गुरुजी 2, 8, 10 और 2, 12, यानी कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 12, तो प्रोटॉन भी 12, तो इसका भी परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 12, और 12 परमाणु संख्या कौन से तत्व का होता है, आप कहेंगे गुरुजी मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम क्या है, आप कहेंगे गुरुजी तो धातु है, तो किस कैटेगरी में चला जाएगा, धातु के कैटेगरी में चला जाएगा। आपका तीसरा है जेड 2, 8, 10, 8, 18,
यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन भी कितना होगा 18 होगा, और 18 परमाणु संख्या किस तत्व की होती है? आप कहेंगे गुरुजी आर्गन की होती है, और मेरे मित्र ये क्या है? आप कहेंगे गुरुजी ये तो निष्क्रिय गैस तत्व है। क्या है? निष्क्रिय गैस तत्व है। भाई मेरे आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि तीन तत्वों एक्स वाई और जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 2, 8, 7, 2, 8, 2 और 2, 8, 8 है, तो तत्व जेड एक डैश है, आप क्या कहिएगा? तत्व जेड एक निष्क्रिय गैस है। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में निष्क्रिय गैस है। आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 2 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर/सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, पिस्तौल का प्रतीक्षित वेग कितना है, यानी कि प्रतिघाती वेग कितना है? बताइए, अब भी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना होगा। आप कहेंगे गुरुजी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, पीछे के 3-4 सेशन में आपने प्रतिघाती वेग निकालने के लिए अच्छे से बताया। मेरे मित्र जब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसको सॉल्व करके सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है नीचे की ओर, दूसरा ऑप्शन है विपरीत दिशाओं में, तीसरा ऑप्शन है ऊपर की ओर, और चौथा ऑप्शन है समान दिशा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने कल ही बताया है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम लोग किसी भी वस्तु को जल में डुबोते हैं तो उस वस्तु के द्वारा कुछ न कुछ जल को विस्थापित किया जाता है, और विस्थापित जल के द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? उत्क्षेप बल कहा जाता है। तो ये वस्तु जल में डूबा हुआ है, इसके ऊपर में जो बल लग रहा होगा उसको आप क्या कहेंगे कि गुरु जी इसी को हम लोग उत्क्षेप बल कहेंगे या फिर उत्क्षेप कहेंगे। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इस वस्तु का कुछ ना कुछ भार भी होता है, जो कहाँ लग रहा होता है? तो गुरुजी नीचे की ओर लग रहा होता है। तो सर भार जो है वो नीचे की ओर होता है, जबकि उत्क्षेप बल ऊपर की ओर लग रहा होता है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? आप कहेंगे विपरीत है। तो भाई यह तो क्वेश्चनों पूछा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, आप कहेंगे विपरीत दिशाओं में, तो सही आंसर आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है, बताइए ना सॉल्व होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और आपने 100 बार बताया है कि जब भी बुझा हुआ चूना की बात की जाती है इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं? CaOH2 के रूप में लिखते हैं, जिसको क्या पढ़ा जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH2, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी क्वेश्चन रासायनिक नाम करके पूछा जा रहा है, जबकि क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? तो सर फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए कि CaOH2 किस ऑप्शन में, आप कहेंगे गुरुजी दूसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण डैश का उपयोग जेली, मोम और मुरब्बे को बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये एक सीधे सीधे वन लाइनर है, और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा मुरब्बे और जेली के निर्माण में यूज़ किया जाता है, तो आप कहेंगे पेक्टिन। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण डैश का उपयोग जेली, मोम और मुरब्बे को बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपयोग किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब आपने पेक्टिन बता ही दिया है तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल सर, और इस क्वेश्चन को एज अ वन लाइनर आप सभी अपने माइंड में याद रख लेंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलम के चार्ज को हस्तांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है, बताइए ना सॉल्व होगा? आप कहेंगे गुरुजी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन करा जा रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलम के चार्ज को हस्तांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। हम सबों को मालूम है कि विभवांतर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है। तो आप कहते हैं कि गुरुजी विभवांतर इक्वल टू फार्मूला होता है कार्य बटा आवेश। क्या होता है? कार्य बटा आवेश।
और आपके क्वेश्चन में विभवांतर कितना दिया हुआ है, तो गुरुजी 10 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे कार्ज हमको निकालना है, जबकि आवेश कितना है 5 कूलम, कार्ज क्या हो जाएगा आप कहेंगे 50 जूल। तो आप देख लीजिए कि 50 जूल आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे कि गुरुजी तीसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऐसे आप सभी ध्यान में रखेंगे शॉर्ट फॉर्म में कि V इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, W बटा Q होता है। और हम लोग क्या कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत प्रति एकांक आवेश को, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, तो उस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत दो बिंदु के बीच का विभवांतर क्या। तो कोई भी आपसे पूछे ये बताओ कि विभवांतर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विभवांतर। यूनिट इसका क्या होता है, वोल्ट होता है। फॉर्मूला W/Q यानी कि कार्य बटा आवेश होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है तापमान, दूसरा ऑप्शन है बल, तीसरा ऑप्शन है गति, चौथा ऑप्शन है दबाव। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी भी माध्यम में इन चारों में से क्या बढ़ाया जाए तो उस माध्यम में जो ध्वनि की गति होगी वो बढ़ जाएगी। आप क्या कहेंगे कि गुरु जी पीछे के सेशन में आपने बताया है कि जो ध्वनि की गति होती है, जो ध्वनि की गति होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो आप कहते हैं HTP एवं माध्यम के वेग पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, HTP एवं माध्यम के वेग पर डिपेंड करती है। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी H4 हो जाता है ह्यूमिडिटी, H4 क्या हो जाता है ह्यूमिडिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। आर्द्रता घटेगी तो ध्वनि का वेग भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में जो ध्वनि है उसका वेग क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसीलिए बरसात के दिनों में कहीं पे भी सिटी वगैरह बजता है तो आप उसका आवाज़ आसानी से सुन पाते हो। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरु जी ध्वनि का जो वेग है वो आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है और आर्द्रता घटने से घटती है। फिर क्या कहते हैं कि गुरु जी अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो जो स्पीड ऑफ साउंड होगा, स्पीड ऑफ साउंड होगा यानी कि ध्वनि का वेग होगा वो भी क्या करेगा, आप कहेंगे कि गुरुजी इंक्रीज हो जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी यहाँ पे P4 प्रेशर होता है जिसको हम लोग दबाव कहते हैं और ध्वनि के वेग पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और साथ ही क्या कहते हैं कि माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि का जो वेलोसिटी होता है या स्पीड होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, और माध्यम के वेग के विपरीत दिशा में ध्वनि का वेग क्या होता है, घट जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। आप कहेंगे कि गुरु जी पहले ऑप्शन में दिया हुआ है तापमान और आपने बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगा, तो जाहिर सी बात है किसी भी माध्यम में अगर तापमान को बढ़ाया जाएगा तो ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र आपके इसी क्वेश्चन के साथ ग्रुप डी एग्जाम में 5 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और मेरे ख्याल से अब आपको इन सभी क्वेश्चन में से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।